कल के क्वेश्चंस का। अभी हाल ही में अफ्रीकी कंट्री है जिम्बाब्वे, इसने सूखे के कारण आपदा की घोषणा करी है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन, जिन्हें अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है बिल्किस मीर। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने का जो फैसला किया गया था, इससे हटने का फैसला सिंगापुर ने किया है। अभी हाल ही में 33 वर्ष तक राज्यसभा के सांसद रह चुके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, ये राज्यसभा से रिटायर हो चुके हैं। 4 अप्रैल को नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा जो देश है ये बना है सिंगापुर। और कहां पर 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है, तो ये गुजरात में कच्छ जिले के पास की गई है। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, अभी 16 से 18 अप्रैल 2024 को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है, तो इसकी मेजबानी करने जा रहा है यूएई। तारीख है अप्रैल के महीने में 16 से 18। कहां पर, तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में। इसका आयोजन यूएई की प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा कंपनी मजदर द्वारा किया जा रहा है। इस कंपनी यानी मजदर का लक्ष्य है 2030 तक 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो क्षमता हासिल करना है। बात की जाए यदि यूएई की, तो कैपिटल इसकी अबू धाबी, करेंसी दिरहम। यहां के प्रधानमंत्री राशिद अल मक्तूम, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जयाद अल निहान। यहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया। पहली हवाई टैक्सी दुनिया की ही चलाई गई। इसी अबू धाबी में अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया और भारत मार्ट की आधारशिला यहीं पर रखी गई है दुबई में। अब यदि हम ऑप्शन के थ्रू देखें तो इस साल जलवायु परिवर्तन को लेकर की होने वाली बैठक COP29 ये होस्ट करने जा रहा है अजरबैजान। और इसी साल तो नहीं कहूंगी, 2023 में बीता जो साल था, इस 2023 में AI पर पहला समिट आयोजित किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित ये जो पहला समिट था, इसकी मेजबानी की गई थी ब्रिटेन के द्वारा। और रशिया का जो कजान शहर है, ये इसी साल यानी कि 2024 में ब्रिक्स समिट होस्ट करने जा रहा है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि ब्रिक्स में अब मेंबर कंट्रीज जो 10 है, 5 तो आप लोगों को रटी हुई है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो 5 नई शामिल हुई है उसका नाम आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना को मिली आकाश तीर प्रणाली, पूछा जा रहा है किसके द्वारा विकसित की गई है। ये विकसित की गई है BEL के द्वारा। BEL जिसकी फुल फॉर्म बनती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर को अभी हाल ही में आकाश तीर प्रणाली मिली है। इस प्रणाली की मदद से जमीन से लेकर के आसमान तक की हिफाजत करना सेना के लिए आसान हो जाएगा। और ये जो समझौता है 1982 करोड़ का है। ये एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। इसमें सेंसर और राडार का नेटवर्क है जो दुश्मनों के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइलों के बारे में तुरंत अलर्ट जारी कर सकेगा। आप ये भी याद रखिए, कम समय में, ये थोड़ा सा आगे पीछे लिख गया है, इसे मैं सुधार करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी PDF फॉर्मेट में। तो ये कम समय में ऊंचाई वाले इलाकों में हवाई जोखिमों की निगरानी रखने को भी आसान बनाएगा। अब BEL के बारे में तो मैंने बता दिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब ऑप्शन के बारे में यदि हम देखें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आप ये रिलेट कर सकते हैं कि इसी HAL कंपनी का डोर्नियर विमान, इसकी आपूर्ति भारत करने जा रहा है साउथ अमेरिकी कंट्री गुयाना को। DRDO, ये इसने अभी हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है। और इसरो से आप चंद्रयान रिलेट कर सकते हैं, चंद्रयान 3। इसके अलावा सोलर स्टडी के लिए इसका आदित्य L1 प्रोजेक्ट भी चर्चे में रहा है, जो कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। तीसरा सवाल है, हाल ही में लद्दाख के किस क्षेत्र में सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। देखिए, सोनम वांगचुक वाला जो मुद्दा था, मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था, ये कोई मार्च भी करने जा रहे थे, अभी अप्रैल के ही महीने में। अब इसी के पहले लद्दाख का जो लेह इलाका है, यहां 5 अप्रैल से धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू होने से किसी भी तरह का जुलूस, रैली या मार्च निकालने के लिए लेह के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से लिखित अनुमति लेनी होगी। यह भी आदेश दिया गया है कि ऐसा कोई भी बयान न दिया जाए जिससे कि सांप्रदायिक
सौहार्द्र या आप कह सकते हैं किसी भी तरह से शांति भंग हो या कानून व्यवस्था में किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो रोक है ये केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी की घटती चारागाह भूमि को उजागर करने के लिए जो जलवायु कार्यकर्ता है सोनम वागुचुक इनके द्वारा जांगथांग क्षेत्र में प्रस्तावित पश्मीना मार्च, देखिए जस्ट मैंने अभी इसका डिस्कशन किया था कि ये जो मार्च करने जा रहे थे इसके जस्ट 2 दिन पहले ये रोक लगा दी गई है। रोक लगाने कहने का मतलब है कि 144 धारा लगा दी गई है, मतलब कि इनकी एक्टिविटी को रोकने के लिए एक तरह का प्रयास है। लद्दाख के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बीडी मिश्रा। अच्छा, लद्दाख ये नया यूटी बनने के बाद ना इसने खुद का अपना राजकीय पक्षी और पशु घोषित किया था, जिसमें कि राष्ट्रीय राजकीय पक्षी के रूप में ब्लैक नेक क्रेन को और राजकीय पशु के रूप में स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुओं को घोषित किया था। अच्छा, स्नो लेपर्ड की पहली गणना जारी की गई थी, जिसमें आप ये याद रखें सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड की संख्या भारत में लद्दाख में ही है। आगे चलते हैं, कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं? रिसेंटली ये राज्यसभा सांसद चुनी गई है राजस्थान से। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जो कि है जगदीप धनखड़ जी, इनके द्वारा शपथ दिलाई गई है। सोनिया गांधी राजस्थान से सांसद बनकर के राज्यसभा में पहुंची है। ये 1998 में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी और 1999 में पहली बार बेल्लारी जो कि कर्नाटक में है और अमेठी जो कि यूपी में है इससे चुनाव लड़कर के लोकसभा में पहुंची थी। लोकसभा तो देखिए निम्न सदन है, अभी जो उच्च सदन या स्थिर सदन भी आप कह सकते हैं राज्यसभा में ये निर्वाचित हुई है, चुनी गई है। वैसे सोनिया गांधी कुल 5 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी है। अब राजस्थान एरिया वाइज जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्यपाल कलराज मिश्रा, नेशनल पार्क में सरिस्का, रणथंभौर, केवला देव, मुकुंद्रा नेशनल पार्क, झीलों में पुष्कर पिछोला, राजसमंद, फतेह सागर, बांधों में गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, लोक नृत्य में आप घूमर रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, उदयपुर से आप ये रिलेट करेंगे, इसे राजस्थान का सिटी ऑफ लेक तो कहा ही जाता है। इसके अलावा भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है यही बनने जा रहा है। और एक और शहर यहां से मैं रिलेट करा देती हूँ, कोटा, ये देश का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बना है, दुनिया का दूसरा है। दुनिया का पहला है भूटान की कैपिटल थिम्पू। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, माफ कीजिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं होगा, यहां राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का जो पहला राज्य है ये राजस्थान ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के मदरसा कानून के खिलाफ आदेश पर रोक लगाई है? अभी मदरसा कानून के खिलाफ प्रस्ताव के लिए मैंने आपको बताया था, ये लाया गया है उत्तर प्रदेश में और इसी के खिलाफ आदेश पर रोक ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगा दी गई है। इस राज्य में 16,513 मान्यता प्राप्त और 8,449 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें लगभग 27 लाख छात्र पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी की ही बात है 5 अप्रैल को अलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई है जिसने कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया था। अब उत्तर प्रदेश की न्यूज है तो राजधानी इसकी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राज्य की पशु बारहसिंघा, पक्षी सारस है। लोकसभा सीटें आती है 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31। दुनिया का पहला एआई सिटी लखनऊ में बनने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जिसका नाम है सर्ववेद वाराणसी में बना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये निर्वाचन क्षेत्र है। इस अयोध्या में अभी हाल ही में 22 जनवरी को रामलला की प्रतिमा का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसके बाद फिर इन्हें शिरोमणि उपाधि से, संत शिरोमणि उपाधि से नवाजा गया था। संबल जिले में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया। यूपी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला 4था राज्य है, पहला गुजरात है। अडानी ग्रुप ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स कानपुर में लॉन्च कर रही है और 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1,00,000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत के द्वारा ये टारगेट रखा गया है 2047 तक का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत परमाणु ऊर्जा विभाग की योजनाओं के जरिए 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करने के लिए एक तरह का रोड मैप तैयार कर रहा है।
भारत के लिए संभावित नेट जीरो का जो लक्ष्य है, आपको मालूम है 2070 तक भारत का लक्ष्य है जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का। इसी के लिए आप कह सकते हैं भारत का एक तरह का प्रयास है। यहां पर यदि बात की जाए 2025, तो भारत ने 2025 पीवी मुक्ति का लक्ष्य रखा है। 2030 पूछा जाता तो 2030 का लक्ष्य भारत का है मलेरिया मुक्ति का। अब एक ऑप्शन यहां से और बच रहा है, फाइलेरिया मुक्ति का लक्ष्य, वो हाथी पांव जो हो जाता है ना, वो है फाइलेरिया मुक्ति का लक्ष्य भारत का है 2027 तक का। अच्छा एक और याद आ गया मुझे, 2047 तक का लक्ष्य एक और आपको याद आना चाहिए, सिकल सेल एनीमिया मुक्ति का लक्ष्य भारत का 2047 है। सातवां सवाल है, भौगोलिक संकेत टैग यानी कि जीआई टैग के अंतर्गत पूछा जा रहा है किस राज्य के प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा, या सीधा सीधा सवाल है ऐसा कौन सा राज्य है जहां जीआई टैग प्रोडक्ट्स की संख्या सबसे ज्यादा है, तो आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। भारत में जीआई टैक्स रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स की संख्या 600 से अधिक हो गई है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के 69 प्रोडक्ट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा है। और भारत में सबसे अधिक जीआई टैक्स ये वाराणसी के पास है, 30 प्रोडक्ट्स हैं। जीआई टैक्स सबसे पहली बार 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। उत्तर प्रदेश में 69 है, इसके बाद तमिलनाडु में 58 है। पिछले साल तमिलनाडु इस रजिस्ट्रेशन में टॉप पर था। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री कहां है, चेन्नई तमिलनाडु में। अगला सवाल है, भारतीय तटरक्षक बल जलीय केंद्र कहां स्थापित किया गया है, ये रिसेंटली स्थापित किया गया है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक है राकेश पाल, इन्होंने 6 अप्रैल को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS यानी कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस सोसाइटी मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। ये जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस सोसाइटी लिखा हुआ है ना शॉर्ट में ICGS, इसकी स्थापना 1978 में ही तटरक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा भारत के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में की गई थी। ये रक्षा मंत्रालय के तहत एक कार्यरत एक सशस्त्र बल खोज बचाव और समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। अब इस प्रश्न का आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को सबसे पहले हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, राज्यपाल आर एन रवि है। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हाईलाइट में कर देती हूँ। देखिए 44वां शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था ये 2022-23 में, तो ये क्वेश्चन पुराना हो गया है। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु है, एक ये आप रिलेट कर सकते हैं। अभी इसी ही साल या दिसंबर के लास्ट में मनामुद्रई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला, एक आप ये रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप चेन्नई में आयोजित किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा एडिशन यहीं आयोजित किया गया, जिसका शुभंकर था वीरा मंगई, टॉप पर महाराष्ट्र था और लीड्स रैंकिंग में तमिलनाडु टॉप पर रहा है। अब देखिए इस प्रश्न में जो सवाल लिखा हुआ है इसी से रिलेट करके कुछ एडिशनल जानकारी यहां से मैंने मेंशन करी है कि ICG के 5 क्षेत्रीय कमांड सेंटर है भारत में, और पांचों के नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं। उत्तरी पश्चिमी है गांधीनगर गुजरात में, पश्चिमी है मुंबई महाराष्ट्र में, पूर्व का है चेन्नई में, ईशान कोण का है कोलकाता में, अंडमान निकोबार का है पोर्ट ब्लेयर में। यह आपके स्ट्रैटेजी के का फैक्ट है, ये करंट का नहीं है, इसलिए मैंने अलग से इसे मेंशन किया है। इंडियन पोस्ट गार्ड ये अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 फरवरी को, इसका मोटो हो जाएगा वी प्रोटेक्ट। नवा सवाल है, हाल ही में किस तारीख को विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देखिए कई बार मैंने आपको बताया है कि भारत में मेजर ध्यानचंद के सम्मान में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये तो मनाया जाता है 29 अगस्त को, लेकिन अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस ये अप्रैल महीने की 6 तारीख को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है ये है स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। पहला ये जो दिवस है अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 2014 में मनाया गया था। 5 अप्रैल को क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10वां सवाल मैंने रिविजन कर रखा है, ऑपरेशन संकल्प जो हाल ही में खबरों में था ये किससे संबंधित है, मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि समुद्री सुरक्षा से ये संबंधित हो जाएगा, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में की थी। अब इस समय हम कुछ नेशनल पार्क और बायोस्फीयर का रिविजन कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ आज लास्ट मैंने मेंशन किए हैं कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में है,
पन्ना, संजय, सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश में है, केवला देवघाना राजस्थान में, इंद्रावती कांगेर छत्तीसगढ़ में, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, पेरियार हो जाएगा केरल में। मैंने कल आपसे पूछा था मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का किसने जीता है, अशोक कुमार राइट आंसर था। आज का सवाल है,